हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइट के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनूप सिंह लेकर आया हूँ आपको इंडिपेंडेंट हाउस दिखाने, जो कि गेट बंद सोसाइटी है। और देखा जाए तो इनका नाम भी काफी है द्वारका वालों का, द्वारका ग्रीन वैली में लेकर आया हूँ, जो कि आपका अवेलेबल हो जाता है। ये है आपका अंसल कोर्ट या निकिल पैराडाइज के पास में। यहाँ पर बना रहे हैं हम इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इस फेस में डुप्लेक्स बनना है, जो कि आपका 104 वर्ग गज में 3 BHK प्लस स्टडी है, 25 फुट का रोड है। और रोड के बगल से आप देख सकते हैं 40 फुट चौड़ा पार्क है, और पार्क के बगल में है आपका फिर 25 फुट का रोड, और मिल जाता है वेस्ट फेसिंग में आपको सिंप्लेक्स, जो कि आपका 106 वर्ग गज में है 2 BHK। तो गाइस चलते हैं, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हैं गेट बंद सोसाइटी है, द्वारका ग्रीन वैली है, प्रोजेक्ट इनके शास्त्रीपुर में ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं द्वारका वालों के। तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी आकर बुकिंग करा सकते हैं। तो भाई सामने आपको देख रहे हैं डुप्लेक्स, जो कि 104 वर्ग गज में इस फेस में 3 BHK प्लस स्टडी अवेलेबल है। यहाँ मिल जाती है आपको पानी की टंकी, जो कि पार्क है 40 फुट चौड़ा, और पार्क के बगल से आपको दोनों साइड 25-25 फुट का रोड मिल जाता है गाइस। तो यहाँ पर एक ओपन एरिया मिलता है। सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के बीच के डिस्टेंस की बात की जाए तो 90 फीट से भी ज़्यादा डिस्टेंस मिलती है, जो कि ओपन एरिया रहेगा। सामने देख सकते हैं यहाँ पर है सिंप्लेक्स, जो कि वेस्ट फेसिंग में आपको मिल जाते हैं 106 वर्ग गज में। अंदर चल के पूरा लेआउट प्लान समझाऊंगा, फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो उनसे PDF वगैरह ले सकते हैं, इसका लेआउट प्लान ले सकते हैं। बस आपको WhatsApp पे मुझे लिखकर द्वारका ग्रीन वैली PDF करना पड़ेगा बस। चलिए गाइस दिखाते हैं अंदर से। तो गाइस यहां आपको मिल जाती है पार्किंग, और देख सकते हैं यहां पे दो एंट्रेंस है, एक सामने से और एक जस्ट आपका लॉबी में से भी है। सामने किचन की भी आपको विंडो दिख रही होगी। तो चलिए यहाँ भी देखिए, आपके 2 व्हीकल वगैरह भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको गेट मिल जाता है और काफी बड़ी विंडो भी मिल जाती है गाइस। तो भाई यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम लॉबी कंबाइंड करके मिल जाती है, और आपको दिख रहा होगा देखिए फॉल सीलिंग भी बन चुकी है, कुछ दिन में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और वो गाइस आप देख रहे होंगे सीलन नहीं है वो, क्योंकि ऊपर छत पर वर्क चल रहा है, पानी भरा हुआ है, क्योंकि उसे उस पर आपका छत कम्प्लीट हो गई है इसलिए। तो गाइस वो थोड़ा बहुत तो अभी कम्प्लीट होने में टाइम लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर किचन आपको मॉडुलर मिल जाता है, वो भी विदाउट चिमनी के रहेगा गाइस। और यहाँ पर सेमी फिनिश हम बनाकर दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा मिल रहा है, टाइल्स आपके लगे हुए हैं फ्लोरिंग पर। तो देख सकते हैं एंट्रेंस आने के लिए यहाँ भी हमने एक दरवाजा दिया है, जो कि आप यहाँ से भी एंट्रेंस हो सकता है, और एक आपको लॉबी से भी हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर, और चलिए आपको किचन भी दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचन में हम बना के दे रहे हैं मॉडल किचन रहेगा आपका, जो कि विदाउट चिमनी के रहेगा गाइस। और सेमी फिनिश हम बना कर दे रहे हैं पूरा हाउस को। यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, देखिए प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए। और सामने आपको स्टेयर्स भी दिख रही हैं और गेट भी दिखेगा। चलिए गाइस आपको रूम भी दिखा दें, जो कि आपका 2 BHK काफ़ी अच्छे रूम भी बना हुआ है, स्पेसिस काफ़ी है वहाँ पर भी। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में, जो कि आपको अटैच टॉयलेट के साथ अवेलेबल हो रहा है ये रूम। देखिए यहाँ पे विंडो काफ़ी बड़ी लग रही है, जो कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन भी प्रॉपर, लाइट वहाँ सनलाइट भी आ रही है। देख सकते हैं फॉल सीलिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिन में ये प्रॉपर अगर बन जाएगा तो मैं इसका वीडियो फिर डालूंगा, जो लाइटिंग वगैरह प्रॉपर चलेगी तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। हम आ चुके
सकते हैं टॉयलेट में, जो कि इस बेडरूम में अटैच है, देख सकते हैं। यहाँ भी एक आपको विंडो मिल जाती है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, जो कि आपका ओपन एरिया में, वॉशिंग एरिया में ओपन है, जो कि ऊपर जाल में से क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और चलिए आपको रूम का भी एक बार व्यू दिखा देते हैं। हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं आप सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम में भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ भी आपको मिल जाता है टॉयलेट अटैच है, देख सकते हैं। और फॉल सीलिंग भी यहाँ भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिन में पेंट वगैरह होकर लाइटिंग वगैरह प्रॉपर हो जाने के बाद में आपको सारी चीज़ें और अच्छी लगेंगी। जल्दी से जल्दी आकर पार्क फेसिंग में अवेलेबल है, वैकेंट है, आप बुकिंग करा सकते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं, जो अटैच टॉयलेट है देख सकते हैं, यहाँ पर टाइल्स लग चुके हैं, आपके 7 फीट से भी लगभग ऊपर टाइल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार जब लाइट लग जाएगी तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको समझ में आएंगी। और एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिट नहीं बची है बुकिंग के लिए। तो प्लीज़ गाइज जल्दी से आके आप बुकिंग कराइए और पार्क फेसिंग आप ले सकते हैं। हाउसेस आपको सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दोनों ही मिल जाएंगे गाइज। तो गाइस हम आ चुके हैं वॉशिंग एरिया में, देख सकते हैं यहाँ भी प्रॉपर जाल लगा हुआ है, विंडो भी लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ भी ग्रेनाइट लगा हुआ है। जहाँ ओपन एरिया है आगे और पीछे हमने ग्रेनाइट लगा के दिया है, देख सकते हैं यहाँ भी। देखो आपको रूम का विंडो लगी हुई देख सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी लाइट आ रही है। तो चलिए आपको दिखा दें, जो कि 106 वर्ग गज में आपको एड ऑन जगह मिल रही है, जो लगभग 10 से 12 गज जमीन है, जो कि आपकी रजिस्ट्री में इंक्लूड नहीं है। ये सभी सिंप्लेक्सों में अवेलेबल हो रही है गाइस, तो प्लीज़ आप जल्दी से आके इसको देख सकते हैं। ये लैंड सभी सिंप्लेक्सों में मिल रही है गाइस। तो गाइज़ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप द्वारका ग्रीन वैली आना चाहते हो तो प्लीज़ किसी ब्रोकर के साथ ना आएँ, क्योंकि कोई भी रिलेटिव अगर ब्रोकर या आपके दूर के रिलेशन में होता है तो वो ज़रूर आपको मतलब कमीशन के लिए वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो गाइज़ वो जो वर्डन पड़ेगा वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, हम पर नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज़ डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी है, डायरेक्ट आइए अपनी यूनिट बुक कीजिए। प्लीज़ गाइज़ ब्रोकर या किसी के बहकावे में ना आए। तो चलिए गाइज आपको और आगे ऊपर भी दिखा देते हैं। तो चलिए गाइज आपको ऊपर से भी दिखा दें कि टेरेस आपकी कैसी लग रही है। और ऊपर अभी टेरेस का ब्रेक ओवर हुआ है, क्योंकि वहां पर प्लास्टर हुआ है, इस वजह से पानी भरा हुआ है ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनली छत पर, देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मिल रहा है आपको, छत पर भी ओपन एरिया है, देख सकते हैं। जस्ट सामने हमारे हैं अंसल कोर्ट यार्ड, और अंसल कोर्ट यार्ड और द्वारका ग्रीन वैली के बीच में मिल जाता है आपको 16 फीट का रोड। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको छत मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्लीज़ गाइज़ जब लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी, तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।